और आज भी करीब 282 जगहों पर हम लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके आगमन के पहले आयोजन हुआ और अब आज ये सेलिब्रेशन है जिसमें कि हम लोगों ने इसको टॉपिक रखा है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047। कारण प्रधानमंत्री महोदय, हम लोग बहुत खुश है सर, और कहते जब ये सोलर पावर नहीं था तो हम लोग कैसे यूज। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 मिशन के तहत आज प्रधानमंत्री ने देश में बिजली वितरण के आधुनिकीकरण पर आधारित 3,00,000 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया। एक वर्चुअल कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ रुपए की NTPC की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा नेशनल रूफटॉप सोलर पावर पोर्टल का शुभारम्भ भी प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है और बिजली के उत्पादन बढ़ाने, बर्बादी को रोकने और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं और कहा कि हिमाचल को वर्ष 2030 तक ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के लोगों को संबोधित किया और इन 8 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की है उनका बहुत विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है। 25,000 मेगावाट की हमारी हाइड्रो सेक्टर में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। इस समय हम लगभग 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इस दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़े हम, इसके लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है। 2030 तक हमने कहा है कि हम 10,000 मेगावाट बिजली का और उत्पादन हाइड्रो में करेंगे और हमने उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट थे, अनस्टार्ड प्रोजेक्ट थे हाइड्रो सेक्टर में, उनका हमने PPA पावर परचेज एग्रीमेंट रिव्यू किया है ताकि उसमें गति में वो आगे बढ़ें। बहुत से नए प्रोजेक्टों का PPA हुआ है, वो प्रोजेक्ट लगने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी में भी आगे बढ़े, सोलर से भी हमारी बिजली पैदा हो उसके उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले 2025 में हम सबसे पहले भारतवर्ष का नंबर एक ग्रीन एनर्जी प्रदेश बने। इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर हम इसकी ओर जो है अपने इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर हमारा मजबूत हो इसके अंतर्गत भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी ये योजना है जिसका आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है, हमारी ये 3700 करोड़ की योजना है। इससे हम स्मार्ट मीटर भी लगाएंगे, ट्रांसमिशन सेक्टर को भी मजबूत करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजबूत करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली बिजली अनट्रिप्ड सप्लाई मिल सके। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।